नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज और नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश भर में दीपावली की धूम, दीपों की रोशनी से नहाया गांव और शहर। सीएम नीतीश कुमार ने भी दी दिवाली की शुभकामनाएं। बिहार ने केंद्र से की विशेष सहायता की मांग, विकास दर 11% बनाए रखने का किया अनुरोध। नीति आयोग की बैठक में रखी गई मांग। इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का आखिरी मौका, छात्र 10 नवंबर तक त्रुटियां करा सकते हैं सुधार, हेल्पलाइन नंबर भी किया गया जारी। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण काम शुरू, 13.80 लाख नए मतदाता जोड़े गए, कुल मतदाता संख्या बढ़कर 7.72 करोड़ हुई। गौतम गंभीर धोखाधड़ी मामले में बरी, विशेष न्यायाधीश ने जांच का दिया आदेश, विशाल गोगले ने सुनाया फैसला। खबरें विस्तार से। पटना हाईकोर्ट दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर आज से लेकर 8 नवंबर तक बंद रहेगा। ये बंदी उन सभी न्यायिक कामों को प्रभावित करेगी जो आमतौर पर कोर्ट में चल रहे होते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि हाईकोर्ट 11 नवंबर को फिर से खोल दिया जाएगा। ध्यान रहे 9 नवंबर को महीने का दूसरा शनिवार और 10 नवंबर को रविवार है, जिससे न्यायिक कामों की जो शुरुआत है 11 नवंबर से होगी। बिहार ने केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग की है। राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने नीति आयोग के साथ हुई बैठक में विकास दर को 11% बनाए रखने के लिए यह अनुरोध किया है। बिहार की विकास दर जो राष्ट्रीय औसत 7% से अधिक है, इसके साथ ही उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में उच्च विद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्रीय मदद की भी गुहार लगाई। इस बैठक में अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भी व्यापक योजना का प्रारूप तैयार किया गया। मुख्य सचिव मीणा ने कहा कि बिहार में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 5 सालों में 1500 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया गया है। बिहार में आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण काम जो है शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 22 जनवरी से 29 अक्टूबर तक चले इस पुनरीक्षण में 13,80,617 नए मतदाताओं के जो नाम है जोड़ दिए गए हैं। वही घर घर सर्वेक्षण के तहत 5,85,304 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 239 क्षेत्रों में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है, जबकि 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में अभी ये प्रक्रिया शेष है। इस पुनरीक्षण के बाद राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या जो है बढ़कर 7,72,28,642 हो गई है, जो कि पहले 7,64,33,329 थी। आज पूरे देश में धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। वही इस अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसे पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। उन्होंने लिखा कि दीपावली राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। बता दें, इस त्यौहार को भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। इस साल की विशेषता ये है कि अमावस्या तिथि दोपहर 3:52 से शुरू हो चुका है, जो 1 नवम्बर को शाम 6:16 तक रहेगी दिवाली के दिन पूजा प्रदोष काल में करने की सलाह दी जाती है, जो शाम 5:36 से रात 8:11 तक है। वही ऋषभ लगन का समय जो है शाम 6:25 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। महानिशीत काल का पूजन मुहूर्त आज रात 11:39 से लेकर देर रात 12:30 तक होगा। BSEB ने इंटर और मैट्रिक परीक्षाओं के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटियों के सुधार का अंतिम अवसर जो है प्रदान किया है। छात्र अब 10 नवंबर 2024 तक अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि, जाति, धर्म, लिंग और विषय से संबंधित किसी भी गलती को सुधार सकते हैं। BSEB ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थान के प्रधानों को सुधार का काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही छात्रों और शिक्षण संस्थानों के प्रधानों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इंटर परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वे हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही मैट्रिक परीक्षा के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जा सकता है।
दीपावली के अवसर पर बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण करने वाले कर्मियों के मानदेय में 4 से 10 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इससे करीब 14 हजार कर्मियों को लाभ मिलेगा। सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का मानदेय 55 हजार रुपए से बढ़कर 65 हजार रुपए प्रतिमाह हो गया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा संविदा पर काम कर रहे कनीय अभियंताओं का मानदेय 67% बढ़कर 60 हजार रुपए हो गया है। ये निर्णय जो है 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा और 1627 कनीय अभियंताओं को इसका लाभ मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने पहली बार पटना में कोचिंग संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजन किया। इस बैठक में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के बारे में कोचिंग संचालकों से फीडबैक लिया गया। आयोग ने शिक्षकों से परीक्षा को लेकर उनकी राय मांगी और ये भी अपील की कि गलत जानकारी फैलाने से बचे। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस बार परीक्षा का स्वरूप जो है बदला गया है, जिसमें प्रत्येक जिले के प्रश्न पत्र का रंग जो है अलग होगा। बैठक में कई बड़े कोचिंग संस्थानों के शिक्षक और निदेशक शामिल हुए। आयोग ने आगे कहा कि 11 से 15 नवंबर के बीच छात्रों के साथ संवाद होगा और इस बार 2031 पदों के लिए 4 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, जबकि परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। वही बीपीएससी की इस बैठक के बाद शिक्षा विद गुरु रहमान ने कहा कि TRE3 का रिजल्ट तैयार है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही नतीजे जो है जारी कर दिए जाएंगे। अक्सर दिवाली के दिन आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, लेकिन इस बार पटना की आबो हवा में सुधार देखी गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 9 बजे पटना का AQI 161 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। वही भागलपुर का 102 और गया का 143 दर्ज किया गया है। वही बिहार शरीफ और छपरा में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक स्थिति में देखी गई। बता दें धनतेरस के दिन जहां पटना की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई थी, वही छोटी दिवाली की अगर हम बात करें तो हवा की गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में रही। हालांकि दिवाली की आतिशबाजी की बात की स्थिति में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा में सकल पंजीकरण अनुपात बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए मल्टीपल इंट्री एग्जिट व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है। हाल ही में विशेष सचिव शासन सीपू गिरी ने उच्च शिक्षा निदेशक और सभी कुल सचिवों को पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी मांगी है। इस पत्र में विश्वविद्यालयों से पूछा गया है कि कैसे मल्टीपल इंट्री एग्जिट की सुविधा छात्रों को दी जा रही है। यदि किसी विश्वविद्यालय ने इस संबंध में नियम बनाए हैं तो उसकी प्रति भी मांगी गई है। अब क्या है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस व्यवस्था के अंतर्गत छात्र किसी भी समय अपने पाठ्यक्रम को छोड़ सकते हैं और बाद में फिर से इसे शुरू कर सकते हैं। सीतामढ़ी के राजोपट्टी के रहने वाले गूगल बॉय जिसान की बात कर लेते हैं। इस नन्हे बच्चे के टैलेंट का हर कोई कायल है। जिसान महज 5 साल का है। जिसान से जब भी कोई सवाल पूछता है वह पल भर में सही जवाब दे देता है। जिसान ने न केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्रियों के नाम बताए, बल्कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी उसे याद है। उसके पिता मोहम्मद जावेद मजदूर हैं, जो अपने बेटे की शिक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पिता का मानना है कि जिसान को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो वे भविष्य में अपने जिले ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन करेगा। इधर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के शेखपुरा स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शत शत नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई गई। मुख्यमंत्री ने पटेल चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी ASA आशा का ऐलान किया है, जिसका अर्थ है आप सबकी आवाज। उन्होंने पार्टी के झंडे की जानकारी भी साझा की, जिसमें सबसे ऊपर हरा विश्व पीला और नीचे नीला रंग होगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह मिलने पर पीले रंग के हिस्से में काले रंग का पार्टी लोगो होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वर्तमान में 140 लोग उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं।
इधर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग आवंटित किया गया है। यह निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया है और अब तरारी, रामगढ़ और बेलागंज और इमामगंज सीट पर पार्टी के सभी 4 प्रत्याशी इस चिन्ह के तहत चुनाव लड़ेंगे। पीके ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर अपनी नई पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी पार्टी का मुख्य एजेंडा बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित किया है, जिसके चलते स्कूल बैग का चिन्ह चुना गया। जनसुराज पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्मादी शक्तियों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। उन्होंने गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत करने का संकल्प लिया है। सर्वलोक हित समाज पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय को समर्थन देने के निर्णय की सराहना करते हुए उन्होंने इसे धर्मनिरपेक्ष ताकतों की मजबूती का संकेत बताया। वह इस दौरान प्रदेश राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि आरक्षण के मुद्दे को सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को एक धोखाधड़ी मामले में बरी करने के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी भूमिका की और जांच जरूरी है। इस मामले में रियल एस्टेट कंपनियों रुद बिलेडवेल, एचआर इंफ्रासिटी और यूएम आर्किटेक्चर्स के निदेशकों पर यह आरोप है कि उन्होंने फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी की। अदालत ने गौतम गंभीर की भूमिका की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच का आदेश दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है शशि कुमार, उमेश प्रकाश, मोहम्मद साकिर हुसैन, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, संघर्ष कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, छोटू रजा, कुश कुमार यादव, रवि कुमार गुप्ता, गोनर शर्मा, बाबू लाल मरांडी, राकेश मिश्रा, नौसाद रजा, रविशंकर, राजकिशोर महतो, ज्योति कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। इस दिवाली पर आप अपनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।